गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट रिस्ट्रेंट्स. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ और द डेफिनेशन ऑफ रिस्ट्रेंट. द चाइल्ड मे नीड टू बी रिस्ट्रेंट फॉर सम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, थेरेप्यूटिक प्रोसीजर और ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सम टाइम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजुरी. तो हम लोग को रिस्ट्रेंट कब कब करना है बच्चे लोगों को, जब कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हम उनके ऊपर करने जा रहे हैं, लाइक जब हम कैनुला डालने जा रहे हैं, ठीक है ऐसे. नेक्स्ट है आपका थेरेप्यूटिक प्रोसीजर, यूएसजी हो रहा है उनका, एमआरआई कुछ हो रहा तब, या ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर हम उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करने वाले हैं तब, ठीक. और कभी कभी जब हमको उनको इंजुरी से बचाना है तब, सेल्फ इंजुरी ना कर लें तब हम उनको रिस्ट्रेन करते हैं. एन एप्रोप्रिएट एंड सेफ एंड कम्फर्टेबल रिस्ट्रेन शुड बी सेलेक्टेड. जब भी हम लोग को बच्चे को रिस्ट्रेन करना है तो एक एप्रोप्रिएट और कम्फर्टेबल रिस्ट्रेन का सिलेक्शन करना चाहिए. द रिस्ट्रेन मे बी प्रोवाइड मैनुअली विद द हेल्प ऑफ समवन, ठीक है. तो रिस्ट्रेन जब भी हम कर रहे हैं बच्चे को, तो हम लोग को अगर असिस्टेंस की ज़रूरत है तो हेल्प ले सकते हैं. नेक्स्ट है पर्पस टू कैरी आउट अ फिजिकल एग्जामिनेशन. जैसे मैंने बताया है कि बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तब. नेक्स्ट है टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द चाइल्ड. नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम इंजुरी, अगर कोई इंजुरी से बचाना है तब. नेक्स्ट है कंप्लीट डायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक कोई प्रोसीजर है तब. नेक्स्ट है टू मेंटेन द चाइल्ड इन अ प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, ठीक है. पोजीशन, अगर कोई डॉक्टर बोला है कि इस सुपाइन पोजीशन में रखना है या प्रोन पोजीशन में, तो प्रिस्क्राइब जो पोजीशन है उसमें रखने के लिए. नेक्स्ट है टू रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग सम टेस्ट. सो कोई टेस्ट हो रहा है, कोई स्पेसिमेन कलेक्शन कर रहे हैं तब हम कर सकते हैं. आर्टिकल नीडेड, तो हमको क्या क्या आर्टिकल लग सकते हैं जब हम रिस्ट्रेन करने जा रहे हैं बेबीज़ को. तो सबसे पहले ब्लैंकेट और ड्रॉशीट, ठीक है. नेक्स्ट है कॉटन पैड्स, ठीक, ये सब आपको आर्टिकल लग सकता है. नेक्स्ट है आपका बैंडेज. नेक्स्ट है वुडन प्लास्टिक स्टिक्स, उसका भी हमको ज़रूरत पड़ सकता है कभी कभी. नेक्स्ट है सीज़र कट करने के लिए बैंडेज वगैरह को. जैकेट रिस्ट्रेन, अगर हम बेबी को जैकेट रिस्ट्रेन करें तो जैकेट चाहिए उसके लिए अलग से. नेक्स्ट है एडहेसिव टेप चिपकाने के लिए, ताकि प्रॉपर वो चिपक सके. पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल रिस्ट्रेनिंग, अगर हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं उस टाइम हमको क्या ध्यान रखना है. तो सबसे पहले ऑलवेज सेलेक्ट सेफ एंड एप्रोप्रिएट रिस्ट्रेन. जब भी हम रिस्ट्रेन करने जा रहे हैं तो सेफ एंड एप्रोप्रिएट रिस्ट्रेन हमको चूज़ करना है. नेक्स्ट है रिस्ट्रेन शुड बी नॉट बी टू टाइट सो दैट इट इंटरफेयर विद द सर्कुलेशन. तो हम लोग को रिस्ट्रेन जब बांध रहे हैं बच्चे को, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइट नहीं करना है. अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो नॉर्मल सर्कुलेशन को हैम्पर कर सकता है. दूसरा है यूज़ एप्रोप्रिएट कॉटन पैड्स फॉर मेंटेनिंग ऑफ कम्फर्टेबल पोजिशन. तो कॉटन पैड को अप्लाई करना है, उसके बाद रिस्ट्रेन करेंगे ताकि उनके ज़्यादा ना निशान पड़े ना ही उनको तकलीफ हो बच्चे लोगों को, ठीक है. रिस्ट्रेन शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड टू द चाइल्ड ऑन द चाइल्ड ऑल और टू गेन द कॉपरेशन एंड इंटरफेयर एंजाइटी, ठीक है. तो हम लोग को बच्चे लोग को पहले डॉल में करके दिखाना है, देखो हम लोग कैसे बांध रहे हैं ऐसे करके, फिर उसके बाद उनके ऊपर अप्लाई करना है. एक्सप्लेन द रिस्ट्रेन एंड टू कम्फर्टमेंट एंड द चाइल्ड शुड बी अंडरस्टैंड, ठीक है. तो प्रॉपर हम लोग को रिस्ट्रेन कर रहे हैं तो उनके कम्फर्ट लेवल को हम लोग को देखना है, ठीक है, ताकि चाइल्ड समझ सके. नेक्स्ट है आपका ऑलवेज मेंटेन कम्फर्ट टू द चाइल्ड बॉडी अलाइनमेंट. हम लोग बॉडी को अलाइनमेंट को देखना है बेबी लोग को, ठीक है. फिर उसके बाद ओपन द रिस्ट्रेन नॉट व्हेन द साइड रेल्स इज रेज टू प्रिवेंट ट्रैक्शन, ठीक है. जब साइड रेल्स वगैरह ओपन है तो हम लोग को रिलीज कर देना है, ठीक है. नेक्स्ट ऑब्जर्व द रिस्ट्रेन एवरी, मतलब 30 मिनट्स में हम लोग को जा के देखना है कि कोई साइनोसिस, कोई कलर डिस्कलरेशन कुछ तो है नहीं करके, ठीक. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेन, ठीक. नेक्स्ट है मम्मी रिस्ट्रेन. देख रहे हो आप बेबीज लोग कैसे पूरा कवर अप है, ठीक, उनको बचाने के लिए कोई प्रोसीजर है तब. तो ये मम्मी रिस्ट्रेन है. नेक्स्ट मम्मी रिस्ट्रेन इज यूज्ड फॉर द चाइल्ड टू रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ लिम्ब, ठीक है. अगर हम लोग को उनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना है तो मम्मी रिस्ट्रेन करते हैं. नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू द चाइल्ड फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसीजर ट्रीटमेंट हेड एंड
फेस, अगर हमको कोई भी ट्रीट मतलब एग्जामिनेशन करना है हेड नेक का, फेस का, तो करना है. नेक्स्ट है एग्जाम्पल फॉर स्कैल्प पेन. स्कैल्प पेन पंचर कर रहे हैं तो ईयर एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन, गैस्ट्रिक लवाज, तो ये सब में हम कर सकते हैं मम्मी रिस्ट्रेंट. नेक्स्ट पर्पज़ क्या है, प्रोसीजर, सॉरी, टेक अ ब्लैंकेट और द ड्रॉ शीट. बस जैसे कि मैंने आर्टिकल्स में आप लोगों को बताया है हम लोग को क्या लेना है, टेक अ ब्लैंकेट और द ड्रॉ शीट, स्प्रेड ओवर द बेड. स्प्रेड में हम लोग को बिछा के रखना है टेबल में. फिर वन कॉर्नर, एक कॉर्नर को हम लोग को हल्का सा मोड़ना है ब्लैंकेट के. फिर द इन्फेंट इज प्लेस्ड ऑन द ब्लैंकेट विद द नेक इन द एज फ्लोर. उनका जो नेक है वो एज फ्लोर में आना चाहिए, ऐसे हम लोग को फोल्ड करना है. फिर कीप वन हैंड ऑफ द बेबी नियर टू द बॉडी. हम लोग को टर्न अराउंड करके उनके एक हाथ के साथ टक करना है. एंड रैप द बेबी बॉडी होल्डिंग कॉर्नर शीट एंड अंडर टक इन अपोजिट साइड. फिर उसके दूसरे मोड़ ओर से फिर से मोड़ना है, ठीक है. फिर नाउ अनदर हैंड नियर टू द बॉडी. फिर अनदर हैंड साइड को भी मोड़ के हम लोग को रखना है द चाइल्ड बॉडी बाय होल्डिंग अनदर कॉर्नर ऑफ द शीट को फिर टक करना है. नाउ टेक द राउंड शीट ऑफ द बॉटम नियर टू द लेग्स. अब लेग साइड का हम लोग को क्या करना है, फॉरवर्ड टू द चेस्ट साइड में टक कर सकते हैं या साइड लेवल में पिनअप कर सकते हैं. इट रेस्ट्रिक्ट ऑल द एक्सट्रीमिटीज, जिसके कारण क्या हो सकता है, इट रेस्ट्रिक्ट टू द एक्सट्रीमिटीज. ये आप देख सकते हैं, जैसे कि बेबी को सुलाना है, एज के साइड में उसका मुंडी रखना है, फिर एक साइड को हम लोग को मोड़ना है ड्रॉ शीट को, फिर इसमें देख सकते हैं आप नेक्स्ट साइड को फिर टक करना है हैंड के साइड में, फिर नीचे साइड को ऊपर में फोल्ड करना है, ठीक है. नेक्स्ट है एल्बो एंड नी रिस्ट्रेंट. एल्बो एंड नी रिस्ट्रेंट इज यूज टू कंट्रोल द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एल्बो. किसके लिए यूज़ करता है, करना है हम लोग को फ्लेक्शन को रोक सके एल्बो एंड नी के. नेक्स्ट है इट इज़ अ रेडीमेड क्लोथ. ये रेडीमेड क्लोथ रहता है विद द 6 to 10 पॉकेट इज यूज. प्लेस द कॉटन ऑन वन साइड ऑफ एल्बो एंड नी द वुडन और द प्लास्टिक स्ट्रिप ऑफ अनदर, ठीक है. तो एक साइड को हम लोग को क्या करना है, प्लेस द कॉटन ऑन साइड ऑफ एल्बो. एल्बो के साइड में पहले कॉटन करना है या नी द वुडन और द प्लास्टिक स्ट्रिप रखना है, फिर उसके बाद पॉकेट टू द वर्टिकल, फिर वर्टिकली हम लोग को प्लेस करना है. नेक्स्ट है प्लेस द क्लॉथ ऑन द एल्बो एंड नी जस्ट इट विद द सेंट्रल लोकेशन एंड टाई बोथ द साइड ऑफ स्ट्रिप प्रॉपरली, ठीक है. हम लोग को फिर प्रॉपरली हम लोग को स्ट्रिप को टाई कर देना है. दिस एल्बो रिस्ट्रेंट इज यूज इन द केस ऑफ फेस एंड हेड इंजुरी. फेस और हेड इंजुरी कुछ हुआ है तब यूज़ करना है. क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, फिर उसका स्कैल्प वेन इन्फ्यूजन, हेड इंजुरी, सूचर, इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एल्बो रिस्ट्रेंट. नेक्स्ट है एब्डोमिनल रिस्ट्रेंट. दिस रिस्ट्रेंट इज यूज टू होल्ड द इन्फेंट इन अ सुपाइन पोजिशन. किस में रखना है बेबीज को, तब सुपाइन पोजिशन में अगर रखना है तब यूज़ करना है. फिर एब्डोमिनल रिस्ट्रेंट शुड नॉट बी टू टाइट. अब ज़्यादा टाइट नहीं रखना है क्योंकि ये रेस्पिरेशन और बबल मूवमेंट को हैम्पर कर सकता है. फॉर दिस रिस्ट्रेंट इज यूज वाइड वुडन स्ट्रिप, वाइड वुडन स्ट्रिप एंड प्लेस्ड कॉटन अप्रोप्रिएटली इन अ प्रॉपर एंड कम्फर्टेबल पोजिशन में रखना है. फिर एक्सट्रीमिटी रिस्ट्रेंट. एक्सट्रीमिटी रिस्ट्रेंट में क्या करना है हम लोग को, दिस इन्वॉल्व द एक्सट्रीमिटी वन और मोर रिस्ट्रेंट कम्प्लीट सम. अगर हम कोई प्रोसीजर करना है जैसे एंकल का या वेस्ट का, तब हम लोग को करना है. दिस इज यूज टू इमोबिलाइज द मेनली एक्सट्रीमिटीज क्लिक किया जाता है ना. द नेम इटसेल्फ शोज दैट देयर इज एक्सट्रीमिटी रिस्ट्रेंट. दिस आर द वेरियस यूज ऑफ मेथड ऑफ वेस्ट एंड वेरियस मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ठीक. नेक्स्ट है प्रिपेयर अ फिगर ऑफ एट. फिगर ऑफ एट हम लोग को प्रिपेयर करना है बेस्ड ऑन बैंडेज एंड प्लेस ऑन द वन ऑन द रिस्ट एंड द एंकल टाइट. नॉट शुड नॉट बी, मतलब कि हमको फिगर ऑफ एट करके बनाना है, फिर उसके बाद एंकल या फिर आपको कहाँ पर रिस्ट में हम लोग को बांधना है. और जब भी हम बांधेंगे तब हमको क्या करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है ताकि वो ब्लड, क्योंकि वो ब्लड को हैम्पर कर सकते हैं सर्कुलेशन को. और हम लोग को जाके देखना है कि डिसकलोरेशन तो नहीं हुआ है स्किन का, ठीक. नेक्स्ट है फिंगर रिस्ट्रेन. आप देख सकते हैं बेबी को कैसे फिंगर रिस्ट्रेन कर दिए ताकि वो किसी भी चीज़ को टच ना कर सके और ना ही उसका मूवमेंट हो सके. नेक्स्ट विल बी इट कैन बी कम्प्लीटली मेकिंग अ मिटन, ठीक है. फिंगर ऑफ जो फिंगर रिस्ट्रेन है
कम्प्लीटली मिटन का बना होता है एंड द मिटन कोर्स इज ऑल द फिंगर्स ऑफ द हैंड रेस्टिंग. आप समझ देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि कैसे पूरा फिंगर्स का जो मूवमेंट ना हो करके बनाया गया है. द हैंड कैन बी रैप बाई गॉज पीस. ठीक है, गॉज पीस लेंगे और फिर उसको हम लोग को प्रॉपरली अप्लाई करना है, पुट इन द बैग लाइक अ पाउच की तरह हम लोग को यूज़ करना है, फिर टाइट करना है रिस्ट में. फिंगर रीस्ट्रेन इज यूज इन द केस ऑफ क्रेनियल फेशियल इंजुरी. अगर फेशियल इंजुरी है, बर्न है, आई फ्लूइड इन्फ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है, तब हमको एनी एक्जिमा ऑन द फेस और द बॉडी पार्ट, तब हम लोग यूज़ करने हैं. कीप द मिटन सॉफ्ट एंड इट शुड नॉट इंटरफेयर द सर्कुलेशन, जो कि सर्कुलेशन को ना हैम्पर करे. नेक्स्ट है आपका क्रिप रीस्ट्रेन, क्रिप नेट. दिस नेट इज यूज टू कवर द बॉडी. ठीक है, बॉडी बेबी का कॉट को कवर कर सके, ताकि बेड को. दिस इज अटैच टू द कॉट फ्रेम. दिस नेट इज यूज टू प्रिवेंट द चाइल्ड क्लाइंबिंग, मतलब चाइल्ड गिरे मत, उछले मत, इसलिए यूज़ करते हैं. इनसाइड द क्रिब नेट चाइल्ड इज टोटली फ्री. उसके जो नेट के अंदर बेबी है टोटली फ्री मूवमेंट कर सकता है. इट मेनली प्रिवेंट द क्लाइंब और द फॉल. इट मेनली की यूज़ करते हैं ताकि बेबी गिरे मत. नेक्स्ट है जैकेट रीस्ट्रेन. जैकेट रीस्ट्रेन इन दिस मेथड अ जैकेट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट क्लोथ और लेदर. मैंने पहले ही बताया था, अगर जैकेट रीस्ट्रेन देखे थे, वो पहले ही बना पुना एक जैकेट टाइप का आता है, ठीक है, जो कि सॉफ्ट रहता है, लेदर का रहता है. दिस जैकेट इज अ लेस टू द बैक एंड टू लॉन्ग स्ट्रिप्स रहते हैं उसमें, ठीक है. फिर द लेस और टाई बैक एंड लॉन्ग स्ट्रिप टाई अप इट द एल्बो लो बिलो द रेल्स ऑफ द मैटर, ठीक है. तो द लेस इज टाई अप बैक में भी कर सकते हैं और लॉन्ग स्ट्रिप जो रहते हैं उसको बिलो द साइड रेल्स मैटर में कर सकते मैट्रेस में कर सकते हैं. द चाइल्ड कैन सिट एंड स्लीप इन सुपाइन पोजिशन वियरिंग द जैकेट. वो जैकेट को पहन के प्रॉपर स्लीप भी कर सकते हैं और बैठ भी सकते हैं. इट कैन बी ऑल्सो यूज इन द चेयर. किस में? चेयर में भी. नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फिगर ऑफ एट बाई बैंडेज. ठीक है, तो हम लोग को वैसे ही बनाना है. फिर उसके बाद सो द रीस्ट्रेन इज यूज टू अवॉइड द चाइल्ड फ्रॉम क्लाइंबिंग. ठीक है, रिस्ट्रेन की यूज़ करें ताकि वो कूदे मत, फांदे मत, ठीक है, ओवर द साइड रेल्स, क्लाइंबिंग अप फ्रॉम द चेयर बेड कॉट से गिरे मत. फिर इसके बाद इट प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम द फॉल और इंजरी. सम अदर टाइप्स है चेस्ट रिस्ट्रेन यूज़ कर सकते हैं अगर कोई चेस्ट इंजरी वगैरह हुआ है एंड बेबी को, ताकि चाइल्ड हु इज सिटिंग और द चेयर विल यू मेंटेन द पोजिशन एंड प्रिवेंट फ्रॉम द इंजुरीज से प्रिवेंट कर सके. नेक्स्ट है आपका सेफ्टी बेल्ट. ठीक है, बेबीज़ को जैसे देख रहे हैं आप, सेफ्टी बेल्ट बांध के रखें. अब ये क्यों करना है? दीज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली और नॉन कंडक्टिव मटेरियल. ये इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव मटेरियल रहता है. दिस बेल्ट आर यूज टू स्ट्रक्चर और ऑपरेशन टेबल्स. कब यूज़ कर सकते हैं? स्ट्रेचर्स में यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेशन टेबल्स में, टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग, ताकि बच्चा गिरे मत. द बेल्ट गोज अराउंड द चाइल्ड वेस्ट एंड टाई अप टू द फ्रेम अंडर द मैट्रेस. ठीक है, ऐसा फ्रेम है ताकि प्रॉपरली बेबी गिरे ना. नेक्स्ट है साइड रेल्स. ठीक है, ये साइड रेल्स है. नेक्स्ट है आपका स्प्लिंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं. ठीक, स्प्लिंट्स से बेबीज़ के भी यूज़ कर रहे हैं ताकि जो भी जो पार्ट है वो इमोबाइल रहे. ठीक, नेक्स्ट है आपका दीज आर प्रिपेयर डिवाइस विच आर यूज टू रिस्ट्रेन द मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़. ठीक है, प्रिपेयर डिवाइस है जो कि मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है. दीज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, हार्ड पेपर, कॉटन, वॉच पीस से बना रहता है. दीज आर अप्लाइड ओवर नीडेड. ठीक है, जहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है वहाँ पर नीड. फिर वॉट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीस्ट्रेन. सो कॉम्प्लिकेशंस आर, फर्स्ट, इफ द रीस्ट्रेन आर नॉट यूज प्रॉपरली इट कैन बी कॉज वेरियस ऑफ कॉम्प्लिकेशन हजार्ड्स. सही बात है, अगर हम अच्छे से इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? वेरियस कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं. इट कैन बी इंटरफेयर विद द चाइल्ड मस्कुलर डेवलपमेंट एंड लैक ऑफ मूवमेंट. अगर प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं तो मूवमेंट में तकलीफ हो सकता है. इट इफ़ द रीस्ट्रेन इज़ टू टाइट, तो वो क्या, अगर टाइट है तो रेडनेस, स्कार, टिश्यू फॉर्मेशन और फिर ब्लड में सर्कुलेशन में हैम्पर कर सकता है. डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में भी अकर ड्यू टू द स्लगिश ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ आर्म रीस्ट्रेन. अगर आर्म रीस्ट्रेन को प्रॉपर नहीं करेंगे तो शोल्डर जो जॉइंट है उसमें डिसलोकेशन होने के चांसेस है. नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट प्रेशर शोर. अगर दिन भर लगे रहेगा तो क्या होगा? प्रेशर शोर वहाँ बन सकता है, जिसके कारण आपका स्किन इंटीग्रिटी प्रॉपर नहीं रहेगा और सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आ सकता है. नेक्स्ट है आपका
हाइपोस्टेटिक निमोनिया, देर तक अगर इमोबाइल है बेबी तो क्या हो सकता है, हाइपोस्टेटिक निमोनिया होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, थैंक यू।